नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हॉलीवुड के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पे। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज अपने इस सेशन को, जहां पे हम एक साल का करंट अफेयर जो है हमारे आरएएस 2021 का, उसके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं जो आपको आरएएस 2021 में देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं। ये है हमारा पटवारी का क्रैश कोर्स जो यहाँ पे ऑलीपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है, और इसे लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सक्सेस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको 50% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा इस कोर्स पे। आगे बात करते हैं इसी तरीके से, ये है ऑलीपोर्ट का हाई कोर्ट का आर ओ ए आर ओ का बैच, और ये साथ में है यूपीपीसीएस आर ओ ए आर ओ का बैच। इन सभी कोर्सेज को लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑलीपोर्ट की साइट को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ साथ में आप इसे ऐप पे भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, और आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पे पूरी सीरीज को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन को हम देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और साथ में उससे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन को भी हम लोग देखते चल रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और इसे हमें करना है अटेम्प्ट। और ये क्वेश्चन क्या रहा है कि विच इंडियन चेस प्लेयर रिसेंटली वॉन द गैस्प्रोम ब्रिलियंसी प्राइज। तो हमें मालूम है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं हमारे यहाँ, तो हमें देखना है कि कौन है यहाँ पे जिन्हें गैस्प्रोम ब्रिलियंसी प्राइज से यहाँ पे क्या किया गया है, नवाजा गया है। सबसे पहली बात हमें यहाँ पे ये समझनी होगी कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि गैस्प्रोम जो ब्रिलियंसी प्राइज है ये किस स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये चेस जो है उसकी कैटेगरी में यहाँ पे इसे दिया जाता है, ठीक है। और इसे मिला है किस इंडियन चेस प्लेयर को मिला है, ये जानना जरूरी है। विश्वनाथ आनंद, निहाल सरेन, एन लता हरिकृष्णा या फिर विदित गुजराती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा निहाल सरेन। निहाल सरेन जी को यहाँ पे ये प्राइज दिया गया है, तो ये हमें रखना है बहुत अच्छे से। देखते हैं गैस्प्रोम ब्रिलियंसी प्राइज जो है यहाँ पे निहाल सरेन जी को दिया गया है, किससे रिलेटेड है, ये चेस से रिलेटेड है। इस चीज को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, एक बुक है जिसका नाम है मनोहर पारेकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये किताब किसने लिखी है ये बताना है। संगीता पॉल, वमन सुभा प्रभु, मेघना पंत या फिर हामिद अंसारी जी, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है आपका मनोहर पारेकर ऑफ द रिकॉर्ड। चलिए संगीता पॉल, वमन सुभा प्रभु, मेघना पंत या फिर हामिद अंसारी जी, तो यहाँ पे ये किताब लिखी गई है सरन मैम, इट इज रिटन बाय वामन सुभा प्रभु। तो वामन सुभा प्रभु ने यहाँ पे इस किताब को लिखा है और ये बात हमें रखनी है बहुत अच्छे से ध्यान। तो हमें मालूम है तो क्या नाम है, मनोहर पारिकर थे, यहाँ पे गुजरात के सीएम रहे थे काफी लंबे टाइम तक, काफी पॉपुलर थे सीएम और लोगों के बीच में भी काफी ज्यादा ये पसंद किए जाते थे। तो ये किताब इनके ऊपर लिखी गई है वामन सुभा प्रभु द्वारा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल, यानी एक पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है श्रम शक्ति। तो आपको बताना है ये श्रम शक्ति जो पोर्टल है इसे किस मिनिस्ट्री ने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसको बनाया है ये आपको बताना है। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस देख के, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल ने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बनाया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने बनाया है। क्योंकि माइग्रेशन की बात करते हैं तो आपको ये यहाँ पे वर्ड क्लियर नहीं होगा कि ये इंटरनल एक्सटर्नल माइग्रेशन है, यानी लोग देश के अंदर जो आ जा रहे हैं, विचरण कर रहे हैं या फिर कहीं जाके बस रहे हैं, या फिर ये इंटरनेशनल है। तो नेशनल इंटरनेशनल माइग्रेशन कौन सा है ये नहीं समझ आ रहा होगा, तो आप मिनिस्ट्री सोचने में यहाँ पे सोचेंगे कि अगर इंटरनेशनल होगा तो कहीं होम ना हो, एक्सटर्नल ना हो, और साथ में श्रम दिख रहा है तो कहीं लेबर ना हो। बट दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन आपको, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने, ध्यान रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने इसे यहाँ पे लॉन्च किया है श्रम शक्ति पोर्टल को। चलिए तो ट्राइबल मिनिस्टर जो है अर्जुन मुंडा जो थे उन्होंने यहाँ पे इसे क्या किया, लॉन्च किया श्रम शक्ति पोर्टल को। आम बात है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी और पोर्टल्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से क्या किया जा सके, पब्लिक तक पहुंचाया जा सके। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई है कवच, तो यहाँ पे इसे कराया गया है अंडमान एंड निकोबार कमांड ने, ये कैसी एक्सरसाइज है ये आपको बताना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ट्राई सर्विस। तो एक्सरसाइज कवच, कवच किस प्रकार की एक्सरसाइज है ये हमें बताना है।
हम लोगों ने पहले ही कई बार इस बारे में बात की है, जब भी आप किसी एक्सरसाइज को पढ़ें तो सबसे पहले ये जानें कि वो आर्मी की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है या फिर वो ट्राई सर्विस है, यानी मिक्सचर है इन तीनों का। और साथ में ये भी देखें कि क्या ये एक्सरसाइज बायलैटरल है, ट्राइलैटरल है या फिर ये मल्टीलैटरल है, मतलब कितनी कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज आपकी हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये एक्सरसाइज कैसी है, ये आपकी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। क्या है? आपकी एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबने मिलकर यहाँ पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, साथ में यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड भी है। तो ये कहाँ पे हुई है? अंडमान निकोबार जो कमांड फोर्स है हमारी, उसके अंतर्गत यहाँ पे इसे कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, यहाँ पे रिसेंटली इंडिया ने एक लॉन्गेस्ट ब्रिज यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम है वेहरू ब्रिज। तो यहाँ पे आपको बताना है ये वेहरू ब्रिज जो है इसे कहाँ पे खोला गया है। वेहरू ब्रिज रिसेंटली इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज, वेहरू ब्रिज इनॉग्रेटेड इन मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा और मेघालय। तो रिसेंटली यहाँ पे इंडिया का लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज जो है उसे यहाँ पे खोला गया है। तो ये ब्रिज बनाया गया है, तो ये ब्रिज कहाँ पे, मिजोरम, आसाम, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये ब्रिज जो है कहाँ पे है, ये आपका मेघालय है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखने होते हैं, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी तरीके से कनेक्टिविटी दे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, तो वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच, क्योंकि अभी भी नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है इंडिया का, वहां पे अभी हमारी कनेक्टिविटी जो है इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाई है। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी तरीके से यहाँ पे एक कनेक्टिविटी का लिंक यहाँ पे क्रिएट करती है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो वो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो किसी तरीके का एयरपोर्ट क्यों ना खोला गया हो या फिर न्यू रेलवे स्टेशन क्यों ना बनाई गई हो, नई रेलवे लाइन क्यों ना बनाई गई हो, कोई सी रूट, एयर रूट कुछ भी यहाँ पे किसी भी तरीके से बनाया गया हो, वो सारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव माना जाता है और यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मेघालय के चीफ मिनिस्टर कुनार्ड के संगमा ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज। तो आर्क ब्रिज क्या होते हैं, इस तरीके से जो आपके बनाए जाते हैं इन्हें हम आर्क ब्रिज कहते हैं, जिसका नाम है वेहरू ब्रिज और कहाँ पे है ध्यान रखिएगा मेघालय में। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है सोबरा कहाँ पे है, बस इतना ध्यान रखें मेघालय में ये है आपका। आप लोकेशन देख सकते हैं कितनी ज्यादा सुंदर लोकेशन है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अपनी सुंदरता के लिए बहुत ज्यादा माने जाते हैं, ठीक है। तो कभी मौका मिले तो यहाँ पे जरूर जाए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेट किया जाता है 24 जनवरी 2020 में। तो यहाँ पे आपको बताना है इसकी थीम क्या है, आपको बताना है इसकी थीम क्या है। चलिए, तो इस तरीके से थीम यानी विषय के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो इन्हें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी 2020 इज रिकवरी एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, recover and revitalize education for the old generation, recover and revitalize education for the present generation, recover and revitalize education for COVID-19 generation। क्या होगी इसकी थीम 24 जनवरी 2020? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जो हमें ध्यान रखना है, recover and revitalize education for COVID-19 generation, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे COVID-19 आने के बाद एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले और सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला कि यहाँ पे हम क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के हम लोग जाने लगते कहाँ, अब हम लोग आ गए हैं इंटरनेट पे, ठीक है। तो मैक्सिमम पढ़ाई यहाँ पे अब आपकी ऑनलाइन होने लग गई है, तो ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण यहाँ पे इसकी क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये सब चीजें भी हमें ध्यान रखनी होगी और आगे एजुकेशनल सिस्टम कैसे चलेगा इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। बात करते हैं 24 जनवरी, ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसे देखते हैं तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24 जनवरी किस लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है इस तरीके से कि यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन बनाया जाता है इस दिन को, इस दिन को यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग को यहाँ पे अपनाया था और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी को इसी दिन चुना गया था।
ध्यान रखिएगा ये सब चीजें इसी तारीख को हुई थी, तो इस सिक्वेंस में भी थोड़ा जब भी आप पढ़ें तो चीजों को ध्यान रखें। तो इनके साथ साथ अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रख लें, ये सब जो हुआ इसके साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन भी आपका इसी तारीख को बनाया जाता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 24 जनवरी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या थी, लास्ट मीटिंग थी। तो इस तरीके से चीजों को आप ध्यान रखते हैं तो चीजें थोड़ी आसान और सुगम हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को बनाया जाता है, और 2020 का जो बनाया गया उसकी थीम थी रिकवर रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर COVID-19 जनरेशन। नेक्स्ट आ रहा है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका इंपॉर्टेंस अपने आप में इसलिए है क्योंकि हमें मालूम है अभी भी गर्ल जो है गर्ल चाइल्ड यहाँ पे इन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन्फेंटिसाइड और बहुत सारी चीजों के कारण, और यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा सेक्स रेशो का इशू चल रहा है, तो ऐसे नेशनल डेज बनाए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर इस चीज की अवेयरनेस फैलाई जा सके, अथॉरिटीज और जितने भी ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझाया जा सके ताकि वो इस विषय पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाए, फोकस कर पाए, और एक स्पेशल डे पूरा दिया जाता है जितनी ये पूरा काम किया जाता है इसी विषय के ऊपर। 20 जनवरी 22 जनवरी 23 जनवरी और 24 जनवरी इस तारीख को यहाँ पे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसे भी 24 जनवरी को ही बनाया जाता है, तो वहाँ पे हमने चार चीजें वहाँ पे ऐड की थी, तो ये पांच चीजें ऐड की थी, तो यहाँ पे छठी चीज भी आप ऐड कर सकते हैं कि 24 जनवरी को ठीक है आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बनाया जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी इसी दिन को बनाया जाता है। चलिए तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यहाँ पे 24 जनवरी को मनाया जाता है, मेन एम इसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करें, गर्ल्स के भले के लिए काम करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाएं। नेक्स्ट आ रहा है इस बार उत्तर प्रदेश ने एक दिवस बनाया है, मतलब उसका स्टेट दिवस है, उसकी थीम क्या है। ऐसा तो आपको लगेगा कि हम तो राजस्थान के हैं तो हमारे लिए क्या जरूरत है, बट ऐसा नहीं है, दूसरे स्टेट के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपसे भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो बनाया गया उसकी थीम क्या है, थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए क्योंकि यहाँ पे जो बात की गई थी वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिवस की जो इस बार की थीम बनाई गई वो थी सेल्फ रिलायंट उत्तर प्रदेश वुमेन यूथ फार्मर डेवलपमेंट फॉर ऑल ऑनर टू ऑल। तो यहाँ पे अगर आप इसे देखेंगे तो ये जो पूरी की पूरी थीम थी ये काफी किसके लिए थी, वुमेन के लिए, यूथ के लिए, फार्मर्स के लिए, और यहाँ पे सबकी बात की है डेवलपमेंट फॉर ऑल की, तो काफी होलिस्टिक अप्रोच रखा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने इस दिन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है उसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था कब तक, 24 जनवरी 1950 तक, उसके बाद इसका प्रेजेंट नेम यहाँ पे आ गया। ठीक है चलिए, तो यहाँ पे इस बार की जो थीम रखी गई वो यहाँ पे ये रखी गई है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि 24 जनवरी में एक और चीज हमारी जुड़ गई, तो गर्ल डे जुड़ गया, एजुकेशन डे जुड़ गया, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन डे भी जुड़ गया। यहाँ पे ये सारी चीजें आपकी एक ही दिन में जुड़ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ सेट किया गया है, ये आपको बताना है। सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, गांधीनगर, इंडिया लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क सूरत, अहमदाबाद, जामनगर या गांधीनगर कहाँ पे सेटअप किया गया है, इसको ये आपको बताना है। चलिए तो यहाँ पे इसे कहाँ सेटअप किया गया है, इसे सेटअप किया गया है अहमदाबाद में, इसे सेटअप किया गया है कहाँ पे, अहमदाबाद में। तो इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है उसे कहाँ पे सेटअप किया गया है, अहमदाबाद गुजरात में, यहाँ पे इसे सेटअप किया गया है। लॉजिस्टिक्स पार्क क्या होते हैं, जहाँ पे पूरा आप सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की पूरी आपको फैसिलिटी बहुत अच्छे से मिलती है, वेयर हाउसिंग अच्छे से मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत बेहतरीन तरीके से अवेलेबल होती है। तो ये है आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राजेंद्र कुमार भंडारी को अभी रिसेंटली सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया था। यहाँ पे आपको बताना है ये जो पुरस्कार है आपका सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये कौन सी मिनिस्ट्री देती है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, या फिर आपका होम मिनिस्ट्री, या फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री।
और ये क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो राजेंद्र कुमार भंडारी जी को कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे आपदा प्रबंधन पुरस्कार देने या दिया, ध्यान रखिएगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो हमें मेनली ये ध्यान रखना है किसको मिला, ये मिला राजेंद्र कुमार भंडारी जी को, और साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे इसे देती है। ध्यान रखिएगा यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है वो यहाँ पे इस पुरस्कार को यहाँ पे देती है। तो इस चीज को हमें दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आज का जो सेशन है इसमें हम इतने ही क्वेश्चंस को रख रहे हैं, तो जुड़े रहिएगा इसी तरीके से ऑलीबोर्ड के साथ। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।